हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे कि जो हमारी रिएक्शंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आती हैं, और ये रिएक्शंस बच्चों आपको पता होना चाहिए लगभग 5 नंबर में आती हैं, इससे भी ज़्यादा की आ सकती हैं, लेकिन ये रिएक्शन आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसी रिएक्शंस होगी बच्चों जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर अगर आप लोग सॉल्व करते होंगे तो वहां पर आपको ये सारी रिएक्शंस फंसने वाली है। यानी कि यूं हम बात करें, सीधे साधी बात करें, तो ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ऐसी हैं जो बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में आ चुकी हैं, ठीक है। और बच्चों, अगर इनको तैयार करना है आपको, कई सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें रिएक्शन हमारी तैयार नहीं हो रही है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा रिएक्शंस को कोई भी रट नहीं सकता है। जैसे आप हिंदी का कोई क्वेश्चन, जीवन परिचय, एनीथिंग, कोई नाटक वगैरह रट सकते हो, उस तरीके से आप कैल्शियम एसीटेट से एसीटोनिन, एसीटोन, आप इन रिएक्शंस को रट नहीं सकते, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी आप नहीं रट सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनको कैसे तैयार करना है, तो आपको क्या करना है, हर एक रिएक्शंस का आपको प्रैक्टिस करना है। यानी कि आपको रिएक्शन आपने हमने आपको पढ़ा दी, आपने कॉपी पर बना ली, ठीक है। आप क्या करिए, उनसे देखकर एक से दो बार कॉपी पर बनाइएगा, फिर आपको विदाउट, यानी कि बिना देखे हुए बनाना है, और एक समय ऐसा आएगा जो आप हवा में बनाओगे, और जैसे ही आपको रिएक्शंस बनने लगेंगे सारे कंपाउंड पता चल जाएंगे, कहां पर हमें किसके साथ रिएक्शंस करानी होती है, किसके साथ रिएक्टेड कराना होता है, कौन हमें प्रोडक्ट लेना होता है, कौन रिएक्टेंट लेना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता हो जाएगा ना, तो आप कोई भी रिएक्शन आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, पहली हमारी रिएक्शन है कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाना में। अब बच्चों हमें ना ही कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पता है, ना ही एसीटोन का पता है, तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन रिएक्शंस को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छी रिएक्शंस अच्छे से फंस जाएंगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। बच्चों अगर बात करें कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट का आपने सूत्र इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, CH3COOH का होल टूआइज CA ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन हम यहां पर कुछ इसको खोल कर लिखना चाहेंगे, कैसे बच्चों, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे लिखेगा CH3 लिखेंगे, इधर लिखेंगे COO, ऐसे COO इधर इसको जोड़ देंगे और इधर भी लिख देंगे CH3, यानी कि उतने हैं क्योंकि दो हैं, प्लस इधर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा CA, कैल्शियम एसीटेट। अब बच्चों जब हम इसको हीट कर देंगे, यानी कि जब हम इसको गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है, तो हमारा एक एसीटोन कंपाउंड बन जाएगा CH3, और ये जो बना है बच्चों यही हमारा एसीटोन है। जब आप इसको हीट कर दोगे, यानी कि ये जो निशान बना है गर्म करने का बना है, किसका बच्चों, गर्म करना है। जब आप इस रिएक्शन को कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दोगे, यानी कि गर्म कर दोगे, तब हमारा एसीटोन बन गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा एसीटोन बन गया, अब हम चाहें तो आगे के कंपाउंड लिखें या ना लिखें। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप माइनस में करके लिख सकते हो, जैसे बच्चों अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे CaCO3 हमारा बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखिए ऑक्सीजन 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है और 4 ही इधर है, इधर देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हमने निकाल दिया, ठीक है, तो और कार्बन हमारा 1 यहां पर यूज हुआ है, यहां पर 2 है, तो 1 यहां पर आ गया, ठीक है, CO3 के रूप में। तो इस तरीके से आप इधर माइनस में भी निकाल सकते हो, अगर यहां पर आप नहीं निकालते तो यहां पर आप प्लस में लिखाओगे CaCO3, इस तरीके से, और अगर आप नहीं भी निकालते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपको रिएक्शंस को करना है। अगर बच्चों बात करें हम दूसरी रिएक्शंस की, अगर बच्चों हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है एसीटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, अगर हमसे कोई कह दे कि आपको मैं एसीटल्डिहाइड दे रहा हूं, आपको एसीटोन बना देना है, ठीक है, तो बच्चों आपको एसीटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाना, देखिए बच्चों अगर हम बात करें एसीटोन का फार्मूला क्या हो, एसीटल्डिहाइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3CHO एसीटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल्डिहाइड से हमें बनाना क्या है बच्चों, एसीटोन। अब हमें एसीटोन बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम एसिटिक अम्ल बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, एसिटिक अम्ल। यहां पर बच्चों हम नवजात ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, इधर ऐसे क्रिया करा देंगे, ठीक है, इस पर जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे फेलिंग विलयन की उपस्थित में, याद रखिएगा यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा फेलिंग विलयन, ठीक है। अब हमने जब इसकी क्रिया कराई, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और COOH बन जाएगा, समझ में आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम COOH ये बन गया, इसके हम दो अणु ले लेंगे, कितने, दो अणु, या आप यहां पर अलग रिएक्शन बना के यहां पर दो से गुणा भी कर सकते हो, नो टेंशन, ठीक है। जब हम इसके दो अणु ले लेंगे बच्चों,
ठीक है। अब इसके दो अणु के साथ साथ हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सी ए ओ की क्रिया भी कराएंगे, आप इनको जोड़ सकते हो, लेकिन हम एक ही रिएक्शन में बना रहे हैं तो फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा, तो हमने इसके ऊपर लिख दिया सी ए ओ, ठीक है, सी ए ओ लिखेंगे और हमारा बना देंगे सी एच थ्री सी डबल ओ का होल ट्वाइज सी ए। अब बच्चों देखिए, हमने आपको इसका सूत्र सिर्फ एक बार बताया था, ये क्या है सी एच थ्री सी डबल ओ ए जी क्या है, ओ ए सी ए क्या है, हमारा कैल्शियम एसीटेट है ना, कैल्शियम एसीटेट अब यहाँ पर यूज हो गया तो आप आसानी से बता दोगे इसका नाम, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों जो कैल्शियम एसीटेट बन गया, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा जल जो है वो निकल जाएगा, आप इसके नीचे माइनस H2O लिख सकते हो, लेकिन जब आप H2O माइनस में लिखोगे, माइनस में H2O लिखने के बाद अब इसको क्या करना है, इसको उठा लेना है इस कंपाउंड को, मेरे पास आगे जगह नहीं है, अगर आपके पास जगह बचती है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है सी एच थ्री सी डबल ओ का होल ट्वाइज सी है। अब हमारी देखिए, अब हमको क्या करना है, ये वाली रिएक्शन लगानी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली रिएक्शन लगानी है, क्या करना है इसको हीट करना है, आपको एसीटल्डिहाइड से बात करा, हमने एसीटिक अम्ल बनाया, एसीटिक अम्ल से हमने सोडियम एसीटेट बना, कैल्शियम एसीटेट बनाया, अब कैल्शियम एसीटेट से हम सीधे अपना एसीटोन बना लेंगे, ठीक है। इसका शुष्क आसमन भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखाएंगे सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री और ये बच्चों हमारा एसी टोन बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको रिएक्शंस को करना है, इस तरीके से आपको रिएक्शंस को बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगा, ठीक है। अगली बच्चों हमारी रिएक्शन है कि बेंजोइक एसिड, या फिर एसिड की जगह पर हम अम्ल भी लिख सकते हैं, एसिड इंग्लिश वर्ड है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यानी कि हमारे पास अगर बेंजोइक एसिड हो तो हम उससे एनिलीन कैसे बनाएंगे भाई, अगर हमारे पास बेंजोइक अम्ल है हमें बनाना है उससे एनिलीन। अब बच्चों अगर बेंजोइक अम्ल के सूत्र की बात करें तो होता है C6H5COH, अब इस सूत्र को आप रिंग में भी ऐसे आप बना सकते हो, इस तरीके से आपने रिंग में भी बना हुआ देखा होगा, आप एक बनाना, ऐसे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा रिंग के अंदर बना हुआ, ठीक, तो कोई टेंशन, हम आपको विदाउट रिंग बता रहे हैं, ठीक। अब बच्चों जो हमारा एसिटिक एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, इस पर हम क्या करें, NH3 की क्रिया कराएंगे और इसको गर्म करेंगे, किसकी क्रिया कराएंगे, NH3 यानी कि जिसको कहते हैं अमोनिया, और इसको करेंगे हीट। अब जब बच्चों इसको हीट करेंगे, अमोनिया यहां पर आए हमारा, तो बन जाएगा C6H5, देखिए C6H5 बन गया, C के साथ एक O हमें निकाल लेना है तो बनेगा CO, और इधर से हमें लेना है NH2, अब यहां का एक बचा, एक H यहां का बचा क्योंकि NH2 यूज हुआ, एक H यहां का, एक O यहां का, यानी कि जो हमारा यहां पर निकलेगा वो निकलेगा जल, अब हमें यहां पर जल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम इसको सीधे फिर करेंगे, इसकी फिर सीधे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा बेंजामाइड लिखना चाहें, अन्यथा आपको नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बच्चों हमने बेंजामाइड जो हमारे पास ये आ गया, इसको क्या करेंगे हम Br2 प्लस KOH, क्या करेंगे Br2 प्लस KOH लेंगे। अब बच्चों जैसे हम Br2 प्लस KOH लेंगे, अब हमारा यहां पर एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर हमारा बनेगा C6H5NH2, हमारा एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन, ठीक है, क्या बन जाएगा एनिलीन। अब आपको कोई मतलब नहीं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, हमें जो कंपाउंड बनाना था वो हमने बना लिया, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल दें, नो प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा करने से आपकी गलती भी हो सकती है क्योंकि आपको नंबर तो मिलने वाले हैं इतने से ही, तो आपको क्या आवश्यकता है पूरा करने की, रामायण लिखने की, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, और अगली जो बच्चों हमारी अभिक्रिया है उसमें हमें बताना है क्लोरोवेंजीन से DDT, यानी कि हमें क्लोरोवेंजीन से DDT बनाना है, तो हम लिखेंगे क्लोरोवेंजीन का सूत्र रिंग के अंदर, और आप चाहेंगे तो मैं वैसे भी बता दूंगा विद आउट रिंग, ठीक है, इधर आपको लगाना है यहाँ पर Cl। अब बच्चों ये तो हमारा सूत्र होगा क्लोरोवेंजीन का, अब क्लोरोवेंजीन जो होती है बच्चों इस पर हमें क्रिया करानी होती है CCl3CHO की, किसकी करानी होती है CCl3CHO। अब बच्चों CCl3 जो CHO होता है इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है क्लोरल, क्या होता है CCl3CCl3CHO, अब इसका नाम बच्चों क्लोरल, इसकी जब आप क्रिया करा दोगे, ठीक है, इसकी जब आप क्रिया कराओगे हमारा बन जाएगा DDT। अब DDT बनाने के लिए आपको चार लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है और इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे आपको मिला देना है, बीच में गोला कर देना है, या फिर आप तीन जगह पर डबल बाइंड, इधर भी बच्चों आपको Cl लगाना है, इधर भी आपको Cl लगाना है, और इसका मुंह पकड़िए, इसका मुंह पकड़िए और नोच दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है CCl3
और सी एच तक रखना है, वो इसका हटा देना है। और वो एच जब आप हटाएंगे वो हटाएंगे और इसके लिए यहाँ पर एच टू ओ निकल जाएगा। एच टू ओ क्यों निकला, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिफ्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन निकल गया एच टू, तो यहाँ से हाइड्रोजन दो निकल गए, ओ वाला हमने लिया, एच टू ओ को निकाल दिया। अब बच्चों इसी का नाम है डी डी टी, समझ में आ गई ना कि डीडीटी हम कैसे बनाते हैं। तो क्लोरो व्यंजन ए थी हमारी और क्लोरल की हम जब क्रिया कराते हैं तो हम डीडीटी बनाते हैं। ये वाली रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि जो है रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, आप देखोगे तो मतलब अच्छी खासी रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक, अगले रिएक्शन देखिए बच्चों, अगले बच्चों में बनानी है फिनोल से पिक्रिक अम्ल, यानी कि अगर हमारे पास फिनोल हो तो उससे हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो बच्चों अगर फिनोल की हम सूत्र की बात करें, आप यहाँ टॉप में बीच में गोला भी बना सकते हो और चाहे तो आप तीन जगह पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ये बच्चों हमारा होता है फिनोल। ठीक, अब हमें फिनोल से बनाना क्या है, पिक्रिक अम्ल। अब बच्चों फिनोल से जब हम पिक्रिक अम्ल बनाएंगे, तब फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाते के समय बनाने के लिए हमें कुछ कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। तब उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, सधूम नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसका ये नाइट्रिक अम्ल बच्चों कैसा होना चाहिए, सधूम होना चाहिए। ठीक, जब बच्चों आप इसकी क्रिया कराओगे, यहाँ पर क्या होता है H2SO4 प्रेजेंस में रहता है, उपस्थित में रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक गोला बना, एक कंपाउंड बना लेना है क्लोरोवेंजीन की तरह, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इधर बीच में गोला बनाने के साथ साथ आर्थो पैरा इधर आपको तीन जगह पर बैठा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि OH पहले से लगा था। यहाँ पर भी बच्चों आपको NO2 लगाना है, यहाँ पर भी आपको लगाना है NO2। इधर NO2 की जगह पर आप O2N लिख सकते हो, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन चीज वही है। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा H2O, और आप चाहें तो जल यहाँ लिखें या आप यहाँ पर माइनस में करके निकाल सकते हो, नो टेंशन। और आप चाहें ना भी निकालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए आपको तीन नाइट्रिक अम्ल के पास बढ़ाने पड़ेंगे और तीन ही आपको H2O के पास बढ़ाने पड़ेंगे, और हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। और बच्चों ए वाला जो कंपाउंड है यही हमारा है पिक्रिक अम्ल, और ए जो है बच्चों हमारा फिनोल है। समझ में आ गया, कैसे बनानी है। देखिए आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं फिर बात आपसे बता रहा हूं कि आप इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिएगा, आप घर में बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बनने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे बच्चों एक हमारी रिएक्शन है छठवीं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। अब बच्चों को यहां पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र नहीं पता होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आइसोनियोपेंटेन वगैरह के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बना सकते हो। जैसे अगर हमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल का हमें अगर सूत्र लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइज, आइसो है तो CH3 का होल ट्वाइज हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे CHOH, ये बच्चों हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। अब हमें बनाना क्या है, इससे एसीटोन बनाना है। एसीटोन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर हमें लेना पड़ेगा टेंपरेचर हाइड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लगभग टेंपरेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और क्या करेंगे, देखिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर CU रहेगा। क्या रहेगा, CU, और CU को बच्चों कहते हैं कॉपर। ठीक है, CU क्या है बच्चों, इसी को हम कहते हैं कॉपर। अभी हमारा इसके साथ में कॉपर रहेगा, उपस्थित में रहेगा। अब हमें बनाना क्या है, एसीटोन। हम पहले अपना एसीटोन बना लेते हैं, CH3CO CH3, ये तो हमारा बन के तैयार हो गया, क्या है एसीटोन, और ए बच्चों हमारा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब हमारा जो एसीटोन बन के तैयार हुआ है यहाँ पर, अब इस एसीटोन के अलावा भी इसमें इसके यानी कि इसको अगर हम निकाल दें, इसके अलावा भी हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ बचा होगा। देखिए क्या बचा होगा, CH3CO, यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन बच रहे हैं। ठीक है, तो इन दो हाइड्रोजन H2 और H2 2H निकालिए या फिर H2, ठीक है H2 निकाल दीजिए, और ये H2 होती है गैस तो ऊपर जाएगी, तो हमने गैस का सिंबल है इसीलिए ऊपर की ओर लगा दिया। ठीक है, ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है आपकी बुक्स में, तो इसीलिए मैंने लगा दिया, नहीं तो आप इसकी कोई भी जरूरत नहीं। अगले रिएक्शन है बच्चों, आपको बनाना फिनोल से बेंजीन। देखिए फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए आपको जेडियन के जिंक चूर्ण के लेना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। देखिए फिनोल का सूत्र तो मैं आपको पीछे पढ़ा कर आ रहा हूं, जिसमें हमने पिक्रिक अम्ल बनाया था। ठीक है, इस तरीके से होता है, टॉप पर OH होता है, ये तो फिनोल हो गया। यहां पर हम क्या करते हैं, जेडियन का चूर्ण ले लेते हैं, जेडियन का चूर्ण लेंगे और यहां पर इसको करेंगे हम हीट, चूर्ण लिख दिया। ठीक, अब इसको करेंगे हम हीट, अब जैसे हीट करेंगे हमारी बेंजीन तैयार हो जाएगी, ZnHHHA।
अब ए बच्चों हमारा जो बनके तैयार हुआ है यही हमारा है व्यंजन, ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ए वाला जो यहाँ से बॉन्ड लगा था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो गया, यहाँ पर ओ बचा और यहाँ पर जेड एन बचा, यानी कि जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड हमारा निकल गया और हमारी बेंजीन बन गई। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको रिएक्शंस को बनाना है। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, और आठवीं बच्चों हमारी जो रिएक्शन है, बेंजोइक अम्ल से आपको बेंजामाइड बनाना है। अब बच्चों बेंजोइक एसिड से हमें बेंजामाइड बनाना है, हम कैसे बनेंगे देखिए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखेंगे C6H5COOH, ठीक है। बेंजोइक अम्ल से हमें बनाना है बेंजामाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अमोनियम बेंजोएट बना लेंगे। अमोनियम बेंजोएट बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे NH3 की क्रिया, NH3 की जब हम लिख देंगे तो हम बनाएंगे C6H5। ए हमारा इतना, यानी कि एक तरीके से बेंजील का संकेत हो गया, बेंजील का संकेत हो गया। अब हमें बनाना क्या है, बेंजामाइड बनाना है, तो हम COO ले लेंगे यहाँ पर और NH4 लेंगे, सोडियम हमारा वो अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस अमोनियम बेंजोएट के साथ क्रिया मत कराइए आप, यहाँ पर इसको डायरेक्टली हीट करिएगा, इसको गर्म करिएगा। जब आप इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे, ठीक है, इसको क्या करिएगा, जो अमोनियम बेंजोएट बना है इसको आप गर्म करिएगा। जब आप इसको गर्म कर देंगे तो हमारा बनेगा C6H5CONH2 रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। अब देखिए NH2 रह गया, यानी कि C6 भी यूज हो गया, C6CO यहाँ तक यूज हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन नहीं यूज हुआ और यहाँ के दो हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ और यहाँ के दो हाइड्रोजन नहीं यूज हुआ, यानी कि H2O यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम निकाल देंगे गंगा जल के रूप में H2, ठीक। और बच्चों इसी का नाम है बेंजामाइड,